हाँ तो भैया ये है पल्लू उर्फ पल्लू भैया, किस्मत के धनी पल्लू ने हाल ही में जीत लिया है चुनाव और अभी जिस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है उसे कहते हैं मक्खन लगाना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, बस जय के लाने तुमने अगरबत्ती करते रहते हैं, आज जहाँ जैसे भी पहुंचे हैं बस आप ही की कृपा से पहुंचे हैं। अब सारी बागडोर आपके हाथ में है, सब सामान लीजिएगा प्रभु, सब सामान लीजिएगा। बस आपके ऐसे ही अगरबत्ती घुमाते रहे और आप हमारी जिंदगी को और ऊपर ले जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम अम्मा। हाँ अम्मा, हो गई पूजा, प्रणाम कर रहे हैं। कैसी हो अम्मा? बस बढ़िया बेटा। आइए बैठिए अम्मा। बताइए अम्मा, जनता ने हमें इतना वोट दिया, अब हम चुनाव जीत गए हैं, अब हम जनता की सेवा पूरे दिलो जान से करेंगे। अब आप देखिएगा कैसे मैं जनता की पूरी समस्या सुलझाता हूँ। जनता की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल। भगवान है जिसने तुम्हें चिताया है हारी पोटी से, तो उनका ध्यान रखना सबका। बिल्कुल अम्मा रखेंगे, वो पूरा ख्याल रखना है ना, हमेशा खड़े रहना उनके लिए। हाँ सही कह रही है अम्मा, जनता का दिल नहीं दुखाएंगे हम। जनता बिल्कुल भगवान समान होती है। अब जनता का दिल दुखाना मतलब भगवान का दिल दुखाना हो गया ना। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल हम अमल करेंगे उस पे। अरे नीचे कुछ लोग मिलने आए अम्मा, हम उनसे मिलके आते हैं ना, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है अम्मा, ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, ठीक है आते हैं। ध्यान रखना बेटा। बिल्कुल अम्मा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है आते हैं। जय श्री राम। कैसे हो? तो भैया खुद को फन्ने खान डिक्लेयर कर चुके हमारे कल्लू उस्ताद अब निकल पड़े हैं सुनने जनता की समस्या। आइए 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 आइए, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए, राम राम, बैठिए बैठिए। कहिए, कहीं रिबन काटने चलना है क्या? अरे नहीं भैया, ये रिबन नहीं। कोई भूमि पूजन? नहीं नहीं मैम, पिताजी भूमि पूजन। शादी वगैरह? तो क्या मुंह देखने आए हो क्या? अरे भैया यहाँ से बस निकल रहे थे ना, वही सोचा मिलेगा। अरे हमारा मजाक करने का थोड़ा ऐसा ही है। कहिए जी माता जी, क्या समस्या है आपकी? जी हमारे मोहल्ले में तो बहुत गंदगी है, हम बोल बोल के परेशान हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर हर थर के आपके पास आए हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं? कर दीजिए। हमारे एरिया में गंदगी? आप रुकिए, हम इस समस्या का निवारण करेंगे। आप हमें कोई लिख के लाए हैं आप एप्लीकेशन वगैरह? आप हमें एप्लीकेशन दीजिएगा, आपकी समस्या जल्द से जल्द सुलझाई जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। जी भाई साहब, भाई बोलिए। नेताजी हमारी, नेताजी सड़कों का हाल देख रहे हैं कि खराब हो गई है, बच्चे आते जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, बरसात में तो और नरक हो जाता है, जिसका निवारण करवाइए, आप ही के माध्यम से हो सकता है। बिल्कुल देखे, अब आपकी समस्या भी हम सुलझाएंगे। कोनो एप्लीकेशन लाए हैं आप? जी जी लाए लाए। कहाँ है? दे देंगे आपको, दे देंगे। हाँ तो आप हमें एप्लीकेशन दीजिएगा, तभी तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। अरे भाई आगे भी पहुँचानी पड़ती है बातें, हम यहाँ से क्या कर लेंगे? ठीक है कहिए माता राम जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अब हमारी तो बस यह समस्याएं तो बहुत हैं, अब आपके सामने एक तो सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की है, अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया, कोई सुनता नहीं है, हम लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं, इसीलिए आपसे। अरे आप तो हमारे समाज की बुजुर्ग महिला है और आपका ही कार्ड नहीं बन रहा? नहीं हो पा रहा ना। आप चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अब आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बेटे हैं, अब आपका राशन कार्ड सबसे पहले बनेगा, देखिएगा जरूर सुलझ जाएंगे आपकी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप एप्लीकेशन लाइए माता जी। हाँ लाए ना। बिल्कुल आप दीजिएगा, हम आपका भी कर देंगे निवारण। बिल्कुल अम्मा जी। तो भैया हमारे धार धार बुद्धि कल्लू उस्ताद ने समस्या सुनने के लिए पहले जनता चुनी जो है गाँव की। क्या ढूंढ रहे भैया जी? अरे हम गोबर ढूंढ रहे हैं, हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पे गोबर पड़ा था, हमें वहाँ से राइड लेना था, वो गोबर नहीं मिल रहा।
अरे हरिया आओ, जय राम जी की। जय राम जी की। कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, आ गए। चलिए चलिए चलिए। ये देखिए भैया। हाँ, ये आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे बिल्कुल, चलो चलो। हाँ, ये गांव की हालत हमारे। लगता है सब व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। कहाँ है जनता जनार्दन? अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो कल्लू भैया की जय। कल्लू भैया की जय हो। भैया हम कुछ कहें? बिल्कुल कहिए। हमारे गांव में लाइट की समस्या है और सिंचाई में लाइट नहीं मिलता है और पढ़ाई भी दिक्कत जा रही है। हमारे गांव में लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। लाओ फोन। अधिकारी जी, हम क्या सुन रहे हैं? हमारे गांव में बिजली नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कल के कल इस गांव में बिजली चाहिए। मेरे वासियों को बिल्कुल दिक्कत आ रही है, सिंचाई में दिक्कत आ रही है। कर क्या रहे हो? कल नहीं, अभी अभी के अभी बिजली चाहिए मुझे पूरे गांव में। हाँ, मेरे सामने खड़े शिकायत लेके आ रहे लोग। हाँ, मेरे को नहीं मालूम, वो करना पड़ेगा। हाँ, लगो फोन। सुना आपने? ना एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिल्कुल काम तो ऐसा कर देते हैं कि क्या बताएं। जय कल्लू भैया। जय कल्लू भैया। और समस्या बताएं। नेता जी परेशानी क्या? ये देखिए पूरी नाली है, बनी हुई है जो ठीक से बनी नहीं है। अभी अधूरा काम हुआ है, पानी पूरा रोड पे जा रहा है, गंदगी बहुत हो रही है। ये पूरा कूड़ा इधर पड़ा हुआ है, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान होते हैं। यहाँ पे सभी को बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे, इसीलिए हम लोगों ने आपको सुना है, आपको बुलवाया। यहाँ पे आप खुद ये देख लीजिए, यहाँ पे कितनी गंदगी है। अच्छा, हमारे गांव में ऐसी प्रॉब्लम? अभी अभी रुको, अभी फोन लगाते उसको। हाँ फिकर, हमारे गांव में क्या सुनने को मिल रहा है? हमें काम वाम करना है कि नहीं करना? अभी हम देखते हैं पूरी नाली व्यवस्था देखो कैसी हो रही है। देखो कैसे कचरा पड़ा है, गांव वाले कैसे समस्या दे रहे हैं। नौकरी करना है कि नहीं करना? हाँ कर देना। दोबारा शिकायत कम कर लेना चाहिए। चलो रोको। देखा हमारे कल्लू भैया बिल्कुल एकदम तुरंत काम कर देते हैं। जय हो कल्लू भैया की। कल्लू भैया की जय हो। जय हो पंचा जी की। और बताइए क्या समस्या? अरे ये गांव में ये परेशानी है, गरीब लोगों के राशन कार्ड कहीं कोई परेशान है, राशन कार्ड के लिए परेशान है गरीब लोग। तो कोई इंदिरा आवास ये चल रही है, इसके लिए कई लोगों ने आवेदन लगा चुके हैं अभी तक। अच्छा, अभी आपकी समस्या खुल जाते पड़ेगा। ओ भैया क्या सुन रहे हैं हमें? हमारे गांव में लोगों को योजना को लाभ नहीं मिल रहा है। अरे तुम्हें अपनी ड्यूटी चारी होती नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। मैं हमारे गांव की सारी समस्याओं का समाधान चाहिए, बस बात खत्म। शाम तक का टाइम दे रहे। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा सुबह। बाकी हमारे गांव में जितने ये हमारे सामने खड़े उनका काम हो जाना चाहिए। नलकू में पानी नहीं आ रहा, कैसे जाएंगे लोग, क्या करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ इसी में तुम्हारी भलाई है। ये लीजिए, आपका भी समाधान कर दिया। खुश? धन्यवाद कल्लू भैया, पूरा काम तुरंत करे हैं हमारे कल्लू भैया। बोलो कल्लू भैया की जय। भैया थोड़ा साइलेंट हैं। कल्लू भैया हमारी भी एक समस्या है, आप सबकी समस्या का निवारण कर रहे हैं। मेरी ये समस्या है कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता है। आप चाहें तो दो चार टावर लगवा दें। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा? कल्लू भैया इतनी देर से फोन पे बात कर रहे हैं। बड़े आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया ये थी कल्लू भैया की करनी और कथनी, और सुना नहीं तो सुनते जाइए। कह गए साधु कह गए कबीरा, ऐसा भी वक्त आएगा, ईमान आएगा समस्या लेकर, बेमान बिन टावर कॉल लगाएगा।